Welcome, students, to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is speed. That is, to measure the rate of motion. ठीक है, motion को measure करना है with time, with respect to time, rate of motion. को measure करने के लिए we use a speed. अच्छा, speed word हम अपने रोज की लाइफ में वी यूज मैनी टाइम्स कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, या उसने हमें बहुत स्पीड से अपने लक्ष्य तक पहुंचाया. ठीक है, सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली, एंड इफ जिस बस में या कार में आप जा रहे हैं उन्होंने आपको बहुत जल्दी पहुंचा दिया, तो आप क्या करेंगे, अरे आपकी स्पीड तो बहुत अच्छी है. तो ये स्पीड है क्या? बेसिकली स्पीड हमें किस चीज़ का आइडिया देती है? स्पीड गिव अस आइडिया अबाउट tells about how fast or slow is the motion. आपका motion कितना fast है या आपका motion कितना slow है, इसका idea हमें देती है speed. We have already know about, हमें मालूम है पहले से ही distance के बारे में, distance and displacement. We have already done about them in motion. And in previous video, we have done the numericals also. तो हम इसका बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है. So, speed हमें क्या बता रही है? कितने fast कोई चीज चल रही है या slow? Example लेते हैं. मान लीजिए, there are two persons. One is Mr. Rohit. Suppose अकेले Rohit. And they travel from A to B. This is the point from A to B are traveling. And distance here is 20 kilometers. This person travels 20 km in 2 hours. And Mohit traveled the same distance is same, 20 kilometers in 4 hours. ठीक है, रोहित चला A से B जो कि 20 kilometers है in 2 hours. मोहित चला A से B जो कि 20 kilometers है in 4 hours. ज्यादा स्पीड किसकी होगी? तो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अब आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस है उसका 20, इन केस ऑफ रोहित वो स्पीड इज S1, डिस्टेंस इज 20, टाइम इज 2 आवर्स, इट कम्स आउट टू बी 10 किलोमीटर पर आवर, यही बोलोगे. एंड इन केस ऑफ S2 डिस्टेंस इज सेम, टाइम इज मोर, नाउ इट इज 5 किलोमीटर पर आवर. तो ज्यादा स्पीड किसकी हुई, 10 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर? जस्ट थिंक इट ओवर, मोर स्पीड, दिस इज मोर और दिस इज मोर, इनमें से ज्यादा कौन सी है? सो 10 किलोमीटर पर आवर इज मोर. तो स्पीड का फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. दैट्स व्हाई वी से स्पीड इज डी अपॉन टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर स्पीड. लेट मी राइट इट लाइक दैट. So this is the thing, distance per unit time. From what idea we get कि हमारा motion कितना fast है, कितना slow है. तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? Here the speed is fast. Here the speed is slow. इस केस में speed slow. Second thing to know about speed is inversely proportional to time. Let me just rub this. Just note it down for your knowledge sake. See now. Second point I am saying is, just wait a minute. Second point I am saying is, speed is inversely proportional to. It means, अगर किसी जर्नी में, अगर वो सेम डिस्टेंस है, मान लीजिए अंबाला
टू दिल्ली ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, एक फिक्स डिस्टेंस है। फिक्स डिस्टेंस के लिए इफ टाइम टू रीच इज लेस फॉर अ फिक्स जर्नी, फॉर अ फिक्स जर्नी या ऐसी जर्नी जहां पे आपका डिस्टेंस फिक्स है, फॉर ए फिक्स डिस्टेंस, फिक्स जर्नी मीन्स फिक्स डिस्टेंस, देन स्पीड इज मोर। अगर कम टाइम लगेगा कहीं पहुंचने में, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि 20 किलोमीटर वो कितने देर में पहुंच रहा था, 2 आवर्स में पहुंच रहा था, तो उसकी स्पीड यहां पे क्या हो गई थी, मोर, उसकी स्पीड ज्यादा थी। एंड इफ टाइम टू रीच इज मोर फॉर अ फिक्स डिस्टेंस या फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, फिक्स्ड डिस्टेंस, देन स्पीड इज लेस। तो ये आपस में इनवर्स रिलेशन है, अगर टाइम वाला फैक्टर ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, पर कब, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो, जैसे अम्बाला टू दिल्ली, ऐसे नहीं कि अगर आपका डिस्टेंस भी चेंज हो गया, नो, इफ डिस्टेंस इज फिक्स्ड देन दे हैव इनवर्स रिलेशन। थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट्स ऑफ स्पीड, यूनिट्स ऑफ स्पीड। अब स्पीड किसको मिला के बनी, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, योर डिस्टेंस हैज यूनिट मीटर्स, टाइम हैज यूनिट सेकेंड्स, इट कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकेंड्स, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, हर जगह एक्सेप्टेड है यूनिट पूरे वर्ल्ड में, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड। बट जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वी डोंट यूज मीटर पर सेकंड। आप बोलते हो कि अगर आप यहां से चंडीगढ़ जा रहे हो कि आप मीटर पर सेकंड में बताते हो अपनी स्पीड, नो, ठीक है, फॉर ट्रेवल बाय कार, बस, स्कूटी, वी यूज यूनिट्स किलोमीटर पर आर, हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आर, और किलोमीटर पर आर को, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, तो दीज आर योर यूनिट्स ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, दिस इज योर सीजीएस यूनिट, वी यूज इन रेगुलर लाइफ किलोमीटर पर आर। अब होता क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए वी जस्ट, हम क्या करते हैं, जो आपका ये यूनिट है अपना किलोमीटर पर आर, वी कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आर को, हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आर मल्टीप्लाई बाय 5/18, इट कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकेंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड किसको मिला के बनी है, स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू राइट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमारा डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस दैट इज स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि स्पीड बनी कैसे है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस के पास क्या था, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड था, तो स्पीड के पास भी मैग्नीट्यूड होगा। सो नाउ लेट्स मूव अ टाइप्स ऑफ स्पीड में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, अप टू हियर आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल, नाउ लेट्स मूव फर्दर। स्पीड्स आर ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, दिस वी हैव ऑलरेडी डन यूनिफॉर्म वर्ड वेयर इन अ प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने देखा था uniform motion, non-uniform motion. So, now here comes uniform speed. या इसे कहते हैं, और you can say constant speed. एक जैसा,
कॉन्स्टेंट रहना। मैंने उसको एग्जाम्पल भी दिया था, या इसको सिंप्लिसिटी के लिए वी कैन राइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट पोजेस यूनिफॉर्म स्पीड। इसके पास कौन सी स्पीड होती है? तब यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 1 सेकेंड में 10 मीटर, सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे, 2 सेकेंड में 10 मीटर, लेट अस ओनली अप टू 3 सेकेंड वी डिस्कस 10 मीटर, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे। नाउ इन फर्स्ट सेकेंड उसकी जर्नी क्या हुई, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर्स इन 1 सेकेंड, मीन्स स्पीड फॉर फर्स्ट सेकेंड, S1 इज स्पीड फॉर फर्स्ट सेकेंड, फॉर फर्स्ट सेकेंड के लिए उसकी स्पीड हुई डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम लगा जी 1, ये आ गई 10। स्पीड फॉर सेकेंड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड के लिए उसका डिस्टेंस कितना हो गया, फर्स्ट सेकेंड के लिए इतना चला था, सेकेंड सेकेंड के लिए कितना हो गया भाई 20। टाइम कितना हुआ 2 माइनस 1, फ्रॉम हेयर 2 माइनस 0, सॉरी दैट इज 2, अगेन 10। नाउ स्पीड फॉर थर्ड सेकेंड, दिस इज फॉर सेकेंड सेकेंड, ये समझ आ रहा है। फर्स्ट सेकेंड में वो चला 10 मीटर, टाइम लगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स बाद वो चल पड़ा 20 मीटर्स, टाइम लग गया पूरे 2 सेकेंड्स, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड वो चला 30 मीटर्स, अप टू हेयर इट इज 30 मीटर्स, 30 मीटर्स डिस्टेंस, और टाइम लगा 3, अगेन 10। तो देखो ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, आप देख पा रहे हैं दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, सो दिस स्पीड इज कॉन्स्टेंट स्पीड, तो दिस इज योर यूनिफॉर्म। Now let us discuss about non-uniform speed. Non-uniform speed में क्या होता है? Non-uniform speed. Now non-uniform speed, इसका एक और नाम भी है non-uniform speed और variable speed. Variable speed. ठीक है. When an object body, कुछ भी बोल दीजिए, travels an unequal distances in equal intervals of time, then object possess variable speed. इसे भी सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में 4 मीटर, सेकंड सेकंड में यहां रख लीजिए आप 3 मीटर्स, अगेन इन थर्ड सेकंड 8 मीटर्स, सो यू कैन सी देयर दिख ही रहा है देयर अ वेरिएशन इन द डिस्टेंस। स्पीड फॉर फर्स्ट सेकंड कितनी हो जाएगी, स्पीड फॉर फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस चला उसने 4 मीटर एंड टाइम इज 1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड फॉर सेकेंड सेकेंड, नाउ द टोटल डिस्टेंस हेयर इज 7 एंड टोटल टाइम इज 2, 3.5। स्पीड फॉर थर्ड सेकेंड, नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अब यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15 एंड डिवाइड बाय 3 हेयर 5। So, there is a variation in the speed. ये एक जैसा नहीं है, there is a variation. यानी variable speed आ गई यहाँ पे, और जब variable speed आ जाए motion is non-uniform. तो मैं अब यहाँ क्या word use किया, जब मैं आपको बता रहा था I was using a word total distance की बात कर रहा था। तो students, जो आपका अब next topic जो है हमारा वो है average speed. तो हम देखते हैं nature में जैसा भी motion है वो क्या है, non-uniform. यूनिफॉर्म मोशन तो आइडल केस है, यूनिफॉर्म मोशन तो आइडल केस है, अदरवाइज जितने भी मोशंस हैं नेचर में दे आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ लेट्स डिस्कस एवरेज स्पीड, क्या होती है एवरेज स्पीड। अब इसको समझने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए
कि सपोज अगर हम बस की बात करते हैं, बस जब बस स्टैंड से निकलती है तो इट हैज स्लो स्पीड, लेकिन वेन जैसे हम बात करें, अगर बस स्टैंड से चल रही है, इट हैज स्लो स्पीड, इनिशियल स्पीड उसकी स्लो है, स्लो स्पीड। वेन इट रीचेज द हाईवे, ये बस स्टैंड में उसकी स्पीड स्लो है, बस स्टैंड स्लो स्पीड। हाईवे, वेन इट रीचेज हाईवे, वो एकदम से स्पीड पकड़ लेती है बस, बस में एकदम से स्पीड आ गई, ठीक है, स्पीड इंक्रीजेस। अगेन अगर कहीं पे रुकती है, सम बस स्टॉप कम्स, अगेन उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वेरिएशन इज देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द स्पीड ऑफ बस, इन द स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड में ना वेरिएशन होता है, टाइम टू टाइम देयर इज अ वेरिएशन, उस वेरिएशन के कारण इसकी स्पीड क्या हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म। और जनरली जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड, नंबर वन, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हम अब क्या करेंगे, मान लीजिए आप यहां से यहां तक गए, यू ट्रेवल 200 किलोमीटर्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए टू सर्टेन डेस्टिनेशन बी, ए डेस्टिनेशन से चले, बी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, डिस्टेंस 200 किलोमीटर्स, टाइम यू टुक 5 आवर्स, सो व्हाट इज योर स्पीड नाउ, 40 किलोमीटर, दिस इज योर एवरेज स्पीड। ये जो स्पीड आपकी आई, दिस इज योर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम क्या काउंट करते हैं, एवरेज स्पीड में हम काउंट करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड यू कैन राइट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी क्या बन गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज योर एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड में एक बड़ी खास बात आप लोगों को बता रहा हूं मैं, दिस वेरी इंटरेस्टिंग केस इन द एवरेज। सो यू कैन सी एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड s1, वो हाफ ऑफ डिस्टेंस स्पीड s1 से चला, ठीक है, हाफ ऑफ डिस्टेंस स्पीड s1 से, लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट, एंड हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड s2। उस केस में क्या होगा, टाइम फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, टाइम फॉर फर्स्ट हाफ, फॉर फर्स्ट हाफ के लिए टाइम लगेगा t1, दैट इज d/2 अपॉन s1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट कम्स आउट टू बी d2s1, एंड फॉर सेकेंड हाफ इट इज d/2s2। नाउ एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, एवरेज स्पीड इज हेयर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, एज वी से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज हेयर टोटल डिस्टेंस, लेट मी रब दिस हेयर, नाउ द टोटल डिस्टेंस इज डी, d/2 + d/2 विल बी डी ओनली, ठीक है, नाउ d/2 + d/2 इज द टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल टाइम हेयर इज योर d/2s1, दिस इज d ओनली टोटल डिस्टेंस, लेट अस टेक d/2 कॉमन, इट कम्स आउट टू बी d कैंसल्स आउट विद d, ठीक है, d विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद 2s1 इनटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड फॉर दिस पर्टिकुलर केस। इस पर्टिकुलर केस के लिए एवरेज स्पीड वी हैव दिस फॉर्मूला, हाफ जर्नी में स्पीड s1 हो, अदर हाफ जर्नी में स्पीड s2 हो,
तब टोटल एवरेज स्पीड आ जाती है 2s1 इनटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग केस व्हाट या एज फॉर 9th स्टैंडर्ड वी नॉट डिस्कस इन दैट मच डिटेल। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? नाम से लग रहा है, इंस्टेंट वर्ड। एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल बोल लीजिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट बोल लीजिए। मान लो आपकी पूरी जर्नी में, ए से बी तक की जर्नी में मुझे सिर्फ इस पॉइंट पे जानना है कि आपकी स्पीड क्या थी, तो इस पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा और टाइम इंटरवल भी बहुत स्मॉल होगा, उसे लिखते हैं डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है चेंज इन टाइम, पर बहुत छोटा, दैट्स व्हाई। बट एज पर योर स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, यू मस्ट नो दिस कि वो छोटे से, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हमें जानना है कि वहां पर स्पीड क्या थी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो दिस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसे आप सिंपल ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां तक अगर आपको कोई, ठीक है, तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कौन मेजर करता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आपके सभी की कार्स में स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो नाउ वी विल स्टडी वेलोसिटी, दैट इज स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन ये क्या बोलते हैं? देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा। स्पीड एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, देन दैट फिजिकल क्वांटिटी इज योर वेलोसिटी। मींस जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, एक ऐसा छोटे डिस्टेंस जिसके पास डायरेक्शन हुआ करती थी, तो वेलोसिटी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस एस इज हेयर फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी इज फॉर टाइम, वी इज फॉर योर वेलोसिटी। एस से यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सी जे सी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से फर्स्ट पॉइंट की ओर आ रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका बहुत गहरा मतलब है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने अपने घर का एड्रेस किसी को दिया और कहा कि मेरा घर जो है किसी मंदिर के पास, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मंदिर मान लीजिए, उससे 1 किलोमीटर पर है। लैंडमार्क दे दिया आपने कि मंदिर के पास है, मंदिर से 1 किलोमीटर पर है। ठीक है जी, बंदा आ गया, उसको भी याद ही रही पूछने की मंदिर से कहां, जैसे वो मंदिर तक पहुंच गया, कौन यहां से आया। आपने कहा था कि मंदिर से मेरा घर 1 किलोमीटर पर है, अब वो यहां चला गया, लेकिन उसे आपका घर नहीं मिला, वो बेचारा घूमता रह रहा है, ही नॉट फाइंडिंग इट, वो फिर यहां चला गया। जैसे कि हम समझते हैं, अच्छा शायद 1 किलोमीटर मतलब सीधा सीधा ही होगा, वो यहां चला गया, लेकिन ही इज नो पजल्ड कि कहां पे घर होगा। ठीक है, अगर वो आपका घर सपोज यहां पे था तब तो ठीक है, अगर यहां पर था तो उसे नहीं मिलेगा, यहां जाने पे भी नहीं मिलेगा। अगर यहां पर था तो अगेन एफर्ट उसके बेकार जाएंगे। सो यू हैव टू टेल कि राइट है, लेफ्ट है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, कहां पर है भाई। तो मान लीजिए वो नॉर्थ से आ रहा था आपके पास, एंड ही रीचेज अप टू हियर। इफ यू स्पेसिफाई कि मंदिर से 1 किलोमीटर ईस्ट में या राइट में है, तो नो डायरेक्शन इज देयर, डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अब जब डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगी, स्पीड तो थी, नो डायरेक्शन भी उसके पास है, तो
वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन हमेशा स्पेसिफाई होगी. दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन. नाउ द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. टाइप ऑफ वेलोसिटी में विल सी हियर दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी. जैसे हमने स्पीड के केस में किया था द सेम थिंग इज देयर सिमिलर एग्जांपल्स. और ये वाले एग्जांपल्स आप कोई भी एग्जांपल्स उठा सकते हैं बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. क्या है वो यहां देखिए. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. यहां पे आएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल डिस्टेंसेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. यहां सारा का सारा जो काम है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू देखा जाएगा. वहां पे स्पीड में जब हम डिस्टेंस यूज करते थे यहां पर हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट. सो यू कैन से वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इक्वल डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट हैज यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. एग्जाम्पल देख सकते हैं. 5 बजे आप चले कहीं से 5 AM शार्प. देन अप टू 6 AM यू ट्रेवल 25 किलोमीटर्स. अगेन 6 to 7 AM 25 किलोमीटर्स. अगेन 7 to 8 AM 25 किलोमीटर्स एंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज ईस्ट. आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हो एक पर्टिकुलर जगह जा रहे हो जो कि आपकी जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की ओर है. एंड दिस अब आप देख रहे हो हर पॉइंट पे 25 25 25 कॉन्स्टेंट वैल्यू. एंड एज वी हैव डन इन केस ऑफ योर स्पीड के केस में भी हमने एग्जाम्पल्स किए थे. दे आर लिटिल डिफरेंट बट ऑलमोस्ट वो वाले एग्जाम्पल्स भी आप यूज कर सकते हो. फर्क क्या है. हेयर द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. अभी हमने बताया था आपको डायरेक्शन जब स्पेसिफाई हो जाती है स्पीड की उसे वेलोसिटी कहा जाता है. एंड सिमिलरली हेयर इज नाउ नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. अगेन जहां डिस्प्लेसमेंट शब्द आएगा यू कैन हैव टू राइट इन ब्रैकेट. इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी वो एक तरह का डिस्टेंस ही है बट इट हैज सर्टेन डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दिस इज योर वेरिएबल वेलोसिटी. एग्जाम्पल यहां भी देख लीजिए. 5 से 6 तक आपने अगर जर्नी की मान लीजिए 15 किलोमीटर. 6 to 7 इट इज 30 किलोमीटर. देन अगेन 7 to 8 इट इज 50 किलोमीटर. So there is a variation in the kilometers. So and in particular direction, manage east. So this type of velocity is your non-uniform velocity. So examples of non-uniform or variable velocity. क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के. अ बस मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ इन क्राउडेड रोड. नाउ यू विल से कि सर वेरिएबल स्पीड में हमने ये पढ़ा था बस मूविंग इन ए क्राउडेड रोड. This is the same example. Yes, it is same. But यहाँ पे I have specified the direction. यहाँ पे मैंने direction specify की है. It's north. Okay. Second, stone thrown vertically upwards. Stone बोल सकते हो आप. Anything you can. An object thrown vertically upwards. An object dropped from top of a building. Building से आपने ये throw कर दिया कोई object. This is also accelerated motion. Accelerated motion अभी हम पढ़ेंगे आगे जिसमें velocity change होती रहती है variable velocity. यहां भी velocity vary करेगी variable. और चेंज वेलोसिटी. ठीक है. एंड सबसे अच्छा है स्टोन
या यूनिफॉर्म, यू कैन से इट एन ऑब्जेक्ट, सिंपल एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में भी हर पॉइंट पे स्पीड भले ही कांस्टेंट होगी, अभी आप आगे देखेंगे, हमको एग्जांपल्स करेंगे, सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, बट क्या क्या चेंज होगा, डायरेक्शन विल बी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. आप देखेंगे डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी. इसका एग्जांपल देखते हैं, एक फोर्थ पॉइंट का. सर्कुलर मोशन में मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सपोज अगर आप इफ यू टाई ए स्टोन टू ए स्ट्रिंग, और आप स्ट्रिंग ऐसे 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 करके घुमाते हो स्ट्रिंग, और जब भी आप स्ट्रिंग को छोड़ते हो तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे आप घुमा रहे हो सर्कुलर मोशन में, एंड वेन एवर यू लीव दैट ऑब्जेक्ट इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन, यानी टेंजेंट टू ए सर्कल. कैसे जाएगा वो ऑब्जेक्ट, इट विल गो लाइक अ टेंजेंट टू ए सर्कल. टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन टचिंग द सर्कल. तो जब आप स्ट्रिंग को ऐसे 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 घुमाओगे, जब आप उसको लीव करोगे, इट विल टेक अ स्ट्रेट लाइन पाथ. सो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है. एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट. जैसे एवरेज स्पीड में क्या लिखते थे, टोटल डिस्टेंस. हियर वी विल यूज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज, अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस, चेंज हो रही है, मगर कैसे, एट यूनिफॉर्म रेट, दैट इज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज. उस केस में जब वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी, उस केस में एवरेज वेलोसिटी होगी मीन ऑफ, मींस एडिशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. यू इज योर इनिशियल वेलोसिटी, वी इज योर फाइनल वेलोसिटी. स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाइल राइटिंग वेलोसिटी आई एम यूजिंग दिस एरो. ये एरो डायरेक्शन ही अकेला नहीं है, आई लेट यू नो इस एरो का क्या मतलब है. सो ये देखिए, जब हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हम कह रहे हैं वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन मैनी वीडियोस आई टोल्ड यू, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. तो ये एरो जो वेलोसिटी पे लगता है, ये एरो का ये वाला पार्ट, दिस पार्ट टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड, ये हमें मैग्नीट्यूड की जानकारी देता है, और ये वाला पार्ट हमें डायरेक्शन की जानकारी देता है कि कौन सी डायरेक्शन है. दिस पार्ट एंड दिस इज मैग्नीट्यूड. मान लीजिए 5 मीटर है कोई चीज, तो 1, 2, 3, 4, 5 दिस थिंग विल गिव अस, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, और ये डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि जो एरो है दैट स्पेसिफाइज, जिस भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगेगा, यू विल सी इन योर हायर क्लासेस, दैट रिप्रेजेंट्स अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी. उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. अब तक हमने क्या जाना, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, हम उसे चेंज कर सकते हैं कैसे, देयर आर मेनी वेज, बट मेनली यहां देखिए, फर्स्ट if we change speed of an object but direction remains same, but direction same रहे. example, अगर कोई building से हम कोई object को drop करते हैं तो उसकी speed बदलती जाएगी. speed is changing, speed is varying, बट डायरेक्शन इज सेम. उसकी डायरेक्शन नहीं बदल जाएगी, बट डायरेक्शन इज सेम. कैसी, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड वो जा रहा है, डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी. इफ वी चेंज द स्पीड ऑफ बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम. सेकेंड थिंग, इफ स्पीड ऑफ
एन ऑब्जेक्ट, अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, कैसे, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंज, वेलोसिटी हम कई तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी कैन बी चेंज, या हम वेरिंग वेलोसिटी की बात करें तो कैसे कैसे वेरी कर सकती है, पहला तो हमने देखा चेंज द स्पीड, दूसरा स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज, ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। एग्जाम्पल अभी दिया था हमने सर्कुलर मोशन, अगर कोई कार सर्कुलर मोशन में चल रही है, लगातार ऐसे घूम रही है, तो उस केस में क्या हो रहा, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है। अब आप बोलते होंगे मैं हर पॉइंट पे ऐसा शब्द क्यों बोल रहा हूँ कि हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदल रही है, तो देखिए स्टूडेंट्स नेचर का लॉ है, एवरी पार्टिकल इन नेचर वॉन्ट्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब यहां भी ऐसा ही होना था, सपोज दिस आर्टिकल दिस ऑब्जेक्ट वॉन्ट्स टू गो लाइक दैट, स्ट्रेट जाना चाहता था लेकिन इस पे फोर्स लगी, ये टर्न हो गया, अगेन इट वॉन्ट्स टू गो लाइक दैट, ये फिर टर्न हो गया, अगेन इट वॉन्ट टू गो लाइक दैट, ये फिर टर्न हो गया, अगेन इट वॉन्ट्स टू गो लाइक दैट, लेकिन ये फिर टर्न हो गया, अगेन उसने ऐसे जाना था, ये फिर टर्न हो गया, ये ऐसे जाना था, फिर टर्न हो गया, तो एक तरह से ये सर्कुलर फैशन में आ गया। दैट शोज कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन बदल रही है। व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल, कि आपको बताना चाहता था अच्छे से क्लियरली, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और उस केस में हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का मतलब ही होता है स्पीड विद डायरेक्शन, अगर स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल गई तो इट मीन्स दैट इज योर वेरिएबल वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। थर्ड एग्जाम्पल कैसे चेंज कर सकते हैं और वेलोसिटी को, ठीक है, थर्ड थिंग, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी चेंजेस, ठीक है, अगर कोई बॉडी जिग जैग पाथ में मूव कर रही है लाइक दैट, एनीथिंग इज मूविंग इन ए जिग जैग पाथ, वहां पे उसकी स्पीड भी बदल रही है और बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका भी बदलाव आ रहा है, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी चेंजेस, सो दीज आर थ्री वेज टू अटेन अ वेरिएबल वेलोसिटी। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर, लेट अस डिफरेंशिएट, ओके, नंबर वन स्पीड क्या होता था, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, वो होता था स्पीड, यू नो फ्रॉम डेफिनेशन, एंड ये क्या चीज है वेलोसिटी, इट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और इसे ऐसे ही बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। सेकेंड थिंग, फर्स्ट इज दिस वन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकेंड एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, एवरेज स्पीड हम उसकी जीरो नहीं बना सकते, क्योंकि स्पीड का सारा जो भी हमने पढ़ा है फॉर्मूला वो किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता था, अगर आप याद करें अपने पुराने वीडियोस देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता था तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव किया तो उसने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इट मीन्स डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती थी, इसलिए हम कह रहे हैं एवरेज स्पीड, स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पे, तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, हियर एवरेज वेलोसिटी, यस एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, एवरेज वेलोसिटी
ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी वी। थर्ड थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वन, थर्ड पॉइंट, स्पीड टेल्स हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स। उसकी मूवमेंट का ज्ञान हमें देता है फास्ट या स्लो का। ये क्या बताता है? वेलोसिटी क्या बताता है? वेलोसिटी टेल्स हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। इन सर्टेन डायरेक्शन बोल सकते हैं, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव इनफैक्ट, एंड वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिफ्थ पॉइंट, वेरी जो मुझे शुरू में लिख देना चाहिए था, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सो वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, revise the concept of speed and velocity thoroughly, and in next video we'll try to solve the numericals related to speed and velocity. Also try to cover up the concept of acceleration. Till then, stay tuned with your subject matter. Thank you.